चले रोम संदीप भाई आप बाद में लगाओ ना बाद में अगले ट्रिप में लगाओ अगले ट्रिप में लगाओ अगले ट्रिप में लगाओ अगले ट्रिप में लगाओ चलो रोम इतनी सारी लड़कियां हैं जो मार्शल आर्ट सीख रही हैं कर रही हैं इतने अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो मैं तो बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ अब लड़के नहीं लड़कियाँ भी इस क्षेत्र में कुछ कम नहीं है तो बहुत बढ़िया लग रहा है और ये अमेजिंग एक प्लेटफॉर्म है हमारे यंगस्टर्स के लिए जो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे सर। ताइक्वांडो की बात करें तो आपने भी कभी सीखा या कभी फिल्मों में? जी इनफैक्ट मैंने एक फिल्म के लिए शुरुआत की थी सीखना मिक्स मार्शल आर्ट्स तो बहुत बहुत मेहनत का काम है बहुत डिफिकल्ट रहा है बहुत बहुत ही एक अमेजिंग फीलिंग आती है बहुत एक पावरफुल फीलिंग टाइप आती है जब सीखते हैं मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स सीख रही हूँ तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है आई थिंक वुमेन के लिए सीखना बिकॉज सेफ्टी सिक्योरिटी उसके लिए ना आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है आप अपने आप को अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग थिंग फॉर एवरी गर्ल टू लर्न। संदीपा जी आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो कौन से प्रोजेक्ट? ये साल मेरी 3 फिल्में आ रही हैं सबसे पहले 7 आवर्स टू गो जो 22 अप्रैल को आ रही है जिसमें मैंने एक ACP का रोल मैं प्ले कर रही हूँ जिसके लिए मैंने जी अ कॉप एंड जिसके लिए मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग भी की है तो काफ़ी 6-7 महीने से ट्रेनिंग चल रही है तो वो आने वाली है 22 अप्रैल को। उसके अलावा वायकॉम के साथ मेरी एक और फिल्म है गोलू और पप्पू वो भी आएगी और एक और फिल्म है जो मनीष मुंद्रा के साथ है जो जिस फिल्म का नाम है ग्लोबल बाबा तो ये 3 फिल्में आ रही हैं और उसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल शो भी कर रही हूँ जो एक म्यूज़िकल शो है जो हम स्पेन पोर्चुगल में सब परफॉर्म कर रहे हैं तो या मुंबई की बात करें तो लेडीज़ के लिए कितनी सेफ्टी है? आई थिंक मुंबई रिलेटिवली कंपेयर टू अदर सिटीज़ काफ़ी सेफ है इतने इंसिडेंट्स आपको सुनने को नहीं मिलते हैं पर आई थिंक मुंबई पुलिस मुंबई की गवर्नमेंट उस हिसाब से बहुत ही सतर है और बहुत ही अच्छी है सिक्योरिटी को लेकर बहुत कम आपको ऐसे इंसिडेंट्स मिलते हैं यू नो चाहे वो रेप के हों या यू नो अदर इंसिडेंट्स इतने मिलते नहीं हैं बॉम्बे में सो आई थिंक बॉम्बे दैट वे इज़ वेरी वेरी सेफ मैं पर्सनली बहुत सेफ फील करती हूँ आप सड़क पे सुबह के 2 बजे या 4 बजे भी चले तो बहुत सेफ फील करते हैं देयर इज ऑलवेज ट्रैफिक देयर आर ऑलवेज पीपल आई थिंक पीपल इन बॉम्बे आर वेरी नाइस। सर क्या कहना चाहेंगे संदीपा इधर आई आपको? हाँ मैं कहता है कि मैडम जी आए यहाँ तो बहुत रौनक हो गया है बच्चा लोग बहुत खुश है ताइक्वांडो प्लेयर ताइक्वांडो फीमेल वो बहुत एंकरेजमेंट हो जाता है इतना साल जो सीखा है ऐसे ऐसे मौका मिलता नहीं जब मुंबई आए तो सब लोग सेलिब्रिटी मिल जाता है अच्छा लगता है लोगों को। जी आप क्या कहना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे संदीपा जी आए आपको सपोर्ट करना चाहूँगा कि संदीपा जी ने उनको इन्वाइट किया वो तैयार हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं वही मार्शल आर्ट सीख रही हैं उनको लगा कि इवेंट है मार्शल आर्ट का जाना चाहिए तो पहले ही बात में तैयार हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वाई और यहाँ ड्रेस का फंक्शन एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ताइक्वांडो एसोसिएशन टू बोथ ऑफ देम आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस इवेंट पर आऊं आप पार्ट है मार्शल आर्ट का ओह हाउ स्वीट थैंक यू सो मच एंड इट्स सच एन ऑनर टू बी हियर विद बोथ ऑफ देम आई थिंक दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड थैंक यू सर बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग मी हियर। विश ऑल द बेस्ट संदीपा थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए थैंक यू प्लेजर सर थैंक यू। एक मिनट मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए मुझे कम से कम 1 महीने की तैयारी चल रही थी तो बहुत तैयारियों के बाद में इतना बड़ा प्रोग्राम हम पुटअप कर सके एंड वेरी थैंकफुल टू ग्रैंड मास्टर जगत्यानी सर जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमको ये टूर्नामेंट करने के लिए। संदीपा इज वेरी स्पेशल बिकॉज शी इज हियर टुडे टू इट्स द टाइम ऑफ द यूथ इफ दे प्रमोट समथिंग द थिंग्स बिकम वेरी बिग so she is here I'm so grateful to her that she has taken out time and come here to help us and you know make this thing really popular so thanks for coming Sandeepa we have really worked very hard there are 21 states those who have come here to perform to hamare paas mein junior boys junior girls senior boys senior girls and today we have black belt fight going on so the winners of this team will be team India so whenever we have any international tournament they're going to represent India in that international tournament okay thank you thank you thanks a lot.
देखिए, मैं खुद ताइक्वांडो प्रैक्टिस करता हूँ और आज मैं भी कौन से ठीक है देखिए मैं खुद ताइक्वांडो प्रैक्टिस करता हूँ और कोई भी इवेंट होता है ताइक्वांडो से कनेक्टेड, उसके लिए मेरा एंथुजियाज्म हमेशा 5 स्टार रहता है। और ये तो नेशनल चैम्पियनशिप्स हैं और अभी भी अपना जो कंट्री है ताइक्वांडो को लेके एक नेसेंट स्टेज पर है, लेकिन इस स्टेज तक लाने के जो जिम्मेदार हैं वो जिमी सर हैं। इनके करीब 3.5 लाख बच्चे जो हैं इस समय पूरे देश में ताइक्वांडो सीख रहे हैं, 20 से 25 हज़ार लड़कियां सीख रही हैं और
जब सीख रहे हैं तो उसके साथ साथ सबके समाज का कितना फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ ये फिजिकल लेवल पे नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए, या इन टर्म्स ऑफ जबकि हमारे वैल्यू सिस्टम थोड़े इधर उधर बिखर रहे हैं, तो स्पोर्ट चाहे कोई भी स्पोर्ट हो वो एक इंसान के शरीर और आत्मा को मतलब कंसोलिडेट करता है, और मार्शल आर्ट्स तो बहुत ज़्यादा, और ताइक्वांडो क्योंकि मैं खुद उसको प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं इसका खूबी को मैं जितना भी हो सके मुझे उसकी तारीफ कम ही लगती है, क्योंकि यही एक स्पोर्ट है जिसमें कि लेग्स और हैंड्स दोनों बड़ी भली भांति जो है यूज़ होते हैं, और ताइक्वांडो जैसे जैसे लोगों तक पहुंचेगा आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस देश का नंबर वन स्पोर्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट है और एबिलिटी है। देखिए कठिनाई तो हर चीज़ में आती है, लेकिन जब करने वाले सक्षम हों जैसे जिमी सर हैं तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। ये चैलेंजेस को फेस करना ही इंसान की फितरत है, और जो जितना जिसमें कैरेक्टर स्ट्रांग होता है वो चैलेंजेस को उतना फेस करता है। जिमी सर तो बिल्कुल, जब ये ताइक्वांडो, ही इज़ द फादर ऑफ ताइक्वांडो इन इंडिया, सो फॉर हिम इज़ द बेबी, तो बेबी का हर स्टेप पिता के लिए एक सेलिब्रेशन होता है, तो ये स्टेप भी जिमी सर के लिए एक सेलिब्रेशन है। नहीं, कठिनाई तो हर चैम्पियनशिप होता है, मगर ये कि हम लोग का आज से नहीं ये 35 नंबर हो गया, तो नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप 35 नंबर है, तो ये शुरू से तो स्टार्टिंग अभी तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि हर आदमी टेक्निकल आदमी, हर टेक्निकल फील्ड, हर रेफरी, पहले नहीं था, पहले तो बहुत प्रॉब्लम था, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि स्पोर्ट जो डेवलपमेंट ताइक्वांडो है ये कितना ज़्यादा जैसे पब्लिसिटी है, वैसे तो इंटरनल तो पब्लिसिटी है, मगर मीडिया से और पब्लिसिटी जैसे हॉकी होता, क्रिकेट होता है, कई और होता है, तो ताइक्वांडो भी इतना फास्ट जाएगा। टीम तो आए थे, 22 टीम है पूरा हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, कई हर स्टेट में आ गए, नागालैंड, मणिपुर भी आ गए, तो महाराष्ट्र भी टीम है। तो मेरा मतलब ये है कि जो ताइक्वांडो का जो स्टार्टिंग में जो मुश्किल था, ताइक्वांडो को कहने में मुश्किल है, आजकल नहीं है, आजकल 3.5 लाख स्टूडेंट सीख रहा। और खुशी की बात यह है कि भूपेंद्र सिंह जी का वो भी ताइक्वांडो प्लेयर, टाइगर श्रॉफ भी ताइक्वांडो प्लेयर, नीतू चंद्र भी ताइक्वांडो प्लेयर, जितना सेलिब्रिटी ज़्यादा है ताइक्वांडो में आ गया। तो ये भी खुशी की बात है कि ये सर्टिफिकेट भी कोरिया से आया आपके लिए, भूपेंद्र सिंह के लिए, और ऑन द बिहाफ ऑफ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया हम इसको एक ऑनर देना चाहता है कि जो प्रमोशन, जो प्रमोट, जो कंट्रीब्यूशन ताइक्वांडो में है वही ऐसे ही सर्टिफिकेट अवार्ड मिलता है, और ये अवार्ड मैं देना चाहता है। काला टीका एम जी में लीड कर रहा है, लेकिन उनको मालूम चला कि नेशनल चैम्पियनशिप हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पाँच दस मिनट के लिए आऊँगा जरूर, जब उनको मालूम चला कि ब्लैक बेल्ट हो रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, और सबसे एक्साइटमेंट था कि जिमी सर से मिलना है उनको। जिमी सर की हाथी ऑफ इंडिया की बात करें तो इस प्रकार का आयोजन और इसके बाद काफ़ी होने वाला है, जो शायद मार्च में हम लोग प्लान करें, सबसे बड़ा ये इवेंट करेंगे, बॉम्बे में ही इवेंट होगा, और भी स्टार्स के जो ट्रेन कर रहे हैं।
इससे पहले मनहोश